आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक मैजिकल वर्ल्ड से जो इंग्लिश की दुनिया में बादशाही करता है और अकेला वर्ड हजारों सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकता है। बहुत जगहों पे बोला जाता है अगर आप उस मैजिकल वर्ल्ड को सीख जाते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को और स्टाइल कर सकते हैं और आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन के साथ बोल सकते हैं, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे उस मैजिकल वर्ल्ड की जिसका नाम है गेट। जी हाँ, गेट बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैजिकल वर्ल्ड को। मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से और कहां कहां पे यूज़ कर सकते हैं और किन किन वर्ड्स को आप रिप्लेस करके गेट का यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल की इंग्लिश तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शालिमा और आप देख रहे हैं लर्न विद शालिमा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट की बात कर रही हूँ, गेट, GET, गेट। तो पहले सबसे मैं आपको बता दूं कि गेट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, आप इसको पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप कहाँ पे गेट लगाएंगे, कहाँ पे गॉट लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके लिए ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा हुआ है गेट। गेट आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, गेट आपकी फर्स्ट फॉर्म है और गेट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेम होती है, यानी कि गॉट और गॉट, ठीक है। तो इन दोनों पे बाद में बात करूंगी, पहले मैं आपको बता दूं कि गेट, गेट का जो सेंस होता है यानी कि गेट का मतलब जो होता है वो किसी ऐसे सेंस में होता है जब आप बात कर रहे हो की, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, सेंस क्या निकलता है, हो, ठीक है। जब आप कह रहे हो कि मैं मोटी हो रही हूँ, ठीक है, वो गुस्सा हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, जहाँ पे हो आ जाए, ठीक है, जहाँ पे हो आ जाए वहाँ, जहाँ पे गेट आ जाए, जहाँ पे हो आ जाए वहाँ पे आप गेट का यूज़ आँख बंद करके कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो पहला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आई एम गेटिंग लेट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे गेट क्यों नहीं है, गेटिंग क्यों कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही होती है वहाँ पे आप ing का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो बहुत सिंपल है, जब भी आप अपनी जो आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में उस चीज़ को अगर आप बता रहे हैं तो उस चीज़ में आप ing लगा दें। जिस तरह से मैंने लगाया हुआ है गेट में, मैंने क्या किया हुआ है, आई एम गेटिंग लेट, यानी कि मैं लेट हो रही हूँ, जहाँ पे होने का सेंस आए वहाँ पे आप गेट का यूज़ कर दें, क्लियर। सेकंड मैंने लिखा हुआ है, शी इज़ गेटिंग फैट, वो मोटी हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, ही इज़ गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा हो रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि गॉट से आप किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, गॉट का कैसे यूज करना है आपको, ओके। और इसके दूसरे फेज में आपको बताऊंगी कि गेट को आप रिप्लेस करके, जितने बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको आप रिप्लेस करके गेट का यूज कर सकते हैं इजी वे में, ओके। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके होमवर्क की, यानी कि अगर आपको ये तीन चार चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अगर आपको क्लियर हुई हैं तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक होमवर्क आपके लिए, होमवर्क, वो आप कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके छोड़ दीजिएगा, मैं देख लूँगी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्यों गुस्सा हो रही है, ठीक है, इसकी इंग्लिश आपको बतानी है गेट का यूज़ करके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं बात करती हूँ गॉट की। नेक्स्ट इज़ गॉट। गेट का यूज़ मैंने आपको बता दिया, होने के सेंस में आप यूज़ करते हैं, उसी तरह से बिल्कुल सिंपल वे में आप बोल सकते हैं जब आप किसी पास्ट की बात करें, ठीक है। तो अगर आपने मेरा
प्रेजेंट इनडेफिनेट यानी कि डिड और हैव वाला अगर आपने मेरा लेसन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से आपने यूज़ करना है वो आप उस चैनल उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रही हूँ गॉट की, ठीक है, यानी कि सेकेंड फॉर्म की, आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे और मैंने इसका डिफरेंस भी बताया था, जहाँ पे था नहीं लगा हो, है नहीं लगा हो, तो आप कैसे अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है उसे देर हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही गॉट, देर हो गई यानी कि देर हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या कर देंगे, ही गॉट लेट, ठीक है, गेट का यूज नहीं करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, बोलेंगे ही गॉट लेट। नेक्स्ट है वो लंबी हो गई, ठीक है, वो लंबी हो गई तो क्या बोलेंगे, ही गॉट टॉल, वो लंबी हो गई। तो चलिए इसी तरह से मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि आप किन ऐसे वर्ड्स को रिप्लेस करके गेट का यूज कर सकते हैं इजी वे में। तो बने रहे इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दे, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि गेट को हम किस तरह से किन्हीं वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गेट है इसका सेंस मैंने आपको बताया क्या होता है, हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे ये वर्ड्स हैं जैसे अंडरस्टैंड, ठीक है, फाइंड, रिसीव, ब्रिंग और बाय। ये अकेला वर्ड जो है गेट, ये इनको रिप्लेस कर देता है। कैसे, आप अंडरस्टैंड की जगह पे गेट का यूज कर सकते हैं, फाइंड की जगह पे गेट का यूज कर सकते हैं, रिसीव की जगह पे गेट का यूज कर सकते हैं, ब्रिंग की जगह पे गेट का यूज कर सकते हैं, बाय की जगह पे गेट का यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि गेट जो है वो कितना हार्ड वर्किंग है, वो सबको बोलता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम फ्री रहो, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेट है वो इन सब का काम कर रहा है। अब कैसे कर रहा है मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो गेट है ना, ये आपका एक इनफॉर्मल वर्ड है, यानी कि आप बोलने में इसका यूज़ खूब भर भर के कर सकते हो, लेकिन जब आप फॉर्मल वे में राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, अपने एग्जाम्स दे रहे हो, तो वहाँ पे जो ये वर्ड्स है ना, फॉर्मल वर्ड्स, आप इनका ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बोलने में इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिखने में आप ज़्यादातर फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करें। क्लियर माई पॉइंट। अब हम देख लेते हैं कि हम गेट को अंडरस्टैंड से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ईजी वे में, और जब आप बोलेंगे ना तो सामने वाले को सुनने में भी बहुत अच्छा, आप एक एडवांस लेवल की इंग्लिश भी बोल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गेट और अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, वी ऑल नो, हम सभी लोगों को पता है अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। जब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, आई अंडरस्टैंड इट, यानी कि मैं समझ गया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट, मैं समझा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर देते हैं किससे, गॉट से, तो आप क्या बोलेंगे सिंपल वे में, आई गॉट इट, क्लियर, यानी कि सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज करेंगे, आप बोलेंगे क्या, आई गॉट इट, आई अंडरस्टैंड की जगह पे बोल सकते हैं आई गॉट इट, क्लियर। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे ही और वर्ड्स हैं जिनको हम रिप्लेस करके कैसे बोल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करेगा, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ और वर्ड्स लिए हुए हैं जिनको आप गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा वर्ड जो है यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ब्रिंग, और ब्रिंग का जो मतलब होता है वो होता है लाना। हम सभी लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि ब्रिंग मतलब होता है लाना, लेकिन आप ब्रिंग को भी गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरह से, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मेरे लिए एक पानी का ग्लास ले आओ, ठीक है, ले आओ यानी कि लाना, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिंग की जगह पे हम क्या करेंगे, ब्रिंग को रिप्लेस कर देंगे किससे, गेट से। क्या बोलेंगे, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लियर। इसी तरह से सेकेंड में आपको थर्ड बता दूं जो है गेट, गेट का सेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब यहाँ पे रिसीव, आप गेट और रिसीव, रिसीव का मतलब होता है मिलना, ठीक है, जैसे हम किसी मेल की बात करते हैं ना कि क्या आपको मेल रिसीव हुआ, ठीक है, मैसेज रिसीव हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से आप रिसीव को किससे रिप्लेस कर देंगे, गेट से। मैंने बोला था ना कि गेट एक अकेला वर्ड है,
जो बहुत सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि रिसीव की जगह पे आप गेट का यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में, और इसका एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, हैव यू रिसीव्ड योर पार्सल, हैव यू रिसीव्ड योर पार्सल। अब देखिए मैंने आपको हैव वाले सेंटेंसेस प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हैव यू रिसीव्ड योर पार्सल, क्या तुम्हें तुम्हारा पार्सल रिसीव हुआ, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, क्लियर। अब इसी तरह से रिसीव को आप रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बाद आप क्या पूछेंगे, हैव यू गॉट योर पार्सल, क्या तुम्हें तुम्हारा पार्सल मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको रिप्लेस करके एक नए सेंस में इंग्लिश को बोल सकते हैं। आई होप कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा, अगर आपने कुछ सीखा है इस लेसन से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो होमवर्क दिया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लेके आऊँगी कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।